ये एलोवेरा के साथ डॉग छुपा हुआ है। कितना बड़ा है अमरूद, ये लगे हुए हैं अमरूद। ये यासीन छत पर चढ़ रहा है। हाँ अब्दुल्ला क्या कर रहे हो? बर्फ लेने आया था। बर्फ अपने घर नहीं थी? इधर है। क्या है इधर? अमरूद है। अच्छा घर में चाहिए है। जो कक्को नहीं है उसे ना किया है। अमरूद किस है? हाय सही क्या है? नहीं हाय हाय ऊपर उखड़ोते ही वहां पे खड़ा है दूसरी साइड पे इसी लड़ी पर। हाँ बिल्कुल पका हुआ है। कब लगता है? काफी अरसा हो गया इस अमरूद को। ख्याल करे कि नहीं नीचे तो गिर बने फट गई दे इधर आवे ना इधर दिखावे ना। हाँ मैं तो ले रहा एक। हाँ ये रहा अमरूद पका हुआ और सब कच्ची है और फुल तैयार। ये लगता है काफी अरसे का खड़ा है यहाँ पर क्योंकि और तो छोटे लगे हुए हैं और ये है मोटा। ये किसी ने बनवाई है वर्कशॉप। डीको वाले यहाँ पर आएंगे और काम करेंगे फर्नीचर वगैरह कलर करेंगे। ये है छत और ये काफी बड़ी जगह है क्योंकि फर्नीचर वगैरह इन्होंने जो काफी सारे रखने होंगे ना इसलिए ये काफी सारी बड़ी जगह बनवाई है। और ये दरवाजा लकड़ी का है। और ये काफी सारा बरामदा है। यहाँ पर होंगे फर्नीचर कलर। अभी अमरूद लेकर जा रहे हो? जाओ इधर साइडों में लगे हुए हैं सारे बूटे। और ये वर्कशॉप रेडी है। अब सहन वगैरह तो कच्चा है वहाँ पर थोड़ी बहुत ईंटें रखती हैं उन्होंने। ये बल्ब वगैरह भी लगवा लिया है। ये डॉग की जगह है यहाँ पर डॉग वगैरह रहते हैं। काफी उन्होंने नीचे तक खोद लिए। अब यहाँ पर मीटर भी लग गया है और ये जगह हो गई है रेडी। ये बैठी है सामने चीड़ी सीटियाँ बजा रही है। और ये बैठा है कौवा। ये रहा और एक कौवा। इन दरख्तों पर कोयल बैठकर बोलती है। अंजीर पक गई है। अब इसको लगी है तोड़ने। मीठी मीठी और नरम और मोटी हो गई है। ये देखें ये हरी है और इसका रंग हो गया चेंज। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारे बहन भाई? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन। पहले दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए फिर अपने लिए दुआ करनी चाहिए। दुआ का हमेशा यही असूल है पहले दूसरों की खैर फिर अपनी खैर। अल्लाह पाक आप सबको सलामत और रखे। आमीन। या अल्लाह तेरा ही करम है।
ये आज हम गए हुए हैं किसी के घर, तो वहाँ पर मुझे चूजे वगैरह नजर आए, प्यारे प्यारे छोटे छोटे थे, दरमियाने साइज के थे, तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इनकी वीडियो बनाई। ये सफाई वगैरह भी यहाँ पर कर रही है, एक काम वाली उन्होंने रखी होगी ना। तो अब स्कूल भी खुल गए हैं बच्चों के, और जो नेट भी बंद थे वो भी खुल गए हैं। जहाँ पे रो वहीं खैर, वो अल्लाह पाक ऐसे ही सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक की बादशाह सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारी बहन की, एक नंद की बहन है, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तकरीबन उसकी एज 50 साल के करीब होगी, और अभी उसने समझ ले दो बच्चों की शादी की है, और दो बच्चों की शादी अभी उसने कर ली है। तबीयत ज़्यादा ख़राब है, शुगर वगैरह थी ना, तो इस वजह से उसके गुर्दे भी ख़त्म हो गए हैं। अब डॉक्टरों ने कहा है कि गुर्दे वाश होने हैं, तो अल्लाह पाक उसको सेहत और शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आप सब ने भी दुआ करनी है उसके लिए कि अल्लाह पाक उसकी उम्र दराज करे, क्योंकि गुर्दे वाश हो जाएँ तो फिर बचने के कम ही चांस होते हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब गुर्दे वाश होते हैं ना। मेरी एक कज़न थी, खाला की बेटी थी, उसके भी यही हाल हुआ था शुगर की वजह से ना, उसके भी गुर्दे ख़त्म हो गए थे। तो उसके गुर्दे वाश होते होते समझ लो 5-6 महीने ज़िंदा रही होगी गुर्दे वाश करवाने में, तो उसके बाद वो फौत हो गई। तो अब जिसके गुर्दे वाश होने हैं ना दूसरी औरत के, तो उन्होंने अब यही फैसला किया है कि हम नए सिरे से नया गुर्दा किसी से पैसों से लेकर फिर उसका एक और गुर्दा डलवाएंगे, वरना वो जो पहले वाले हैं वो तो ख़त्म हो गए हैं। तो आप सब ने मेरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और दुआओं में हम सबको याद रखना है आपने, पहले दूसरों की खैर फिर अपनी खैर। आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह।